खरगोन जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा इंदौर की चलित लेबोरेटरी प्रयोगशाला के साथ शहर की खाद्य किराना दुकानों के सैंपल लेकर जांच कर दुकानदारों को आवश्यक निर्देश दिए। बुधवार को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज श्रीवास्तव द्वारा लेबोरेटरी टीम के साथ किराना और होटलों पर खाद्य सामग्री और तेल की जाँच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के साथ ही दुकानों पर साफ सफाई के लिए प्रत्येक माह इंदौर की प्रयोगशाला के माध्यम से तत्काल सैंपल की जांच कर खाद्य पदार्थ की रिपोर्ट दुकानदार को दी जाएगी। अगर किसी प्रकार की कमी या खाद्य सामग्री गुणवत्ताहीन पाए जाने पर उन्हें उसे नष्ट करने या बेचने के निर्देश दिए जाएंगे और ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। टीम द्वारा नगर के लगभग सभी होटल और किराना दुकानों के सैंपल की जाँच की गई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वगैरह मिलाने की शिकायत आती है कि मावे में मैदा मिल के आ रहा है, तो अपन उसका टेस्ट करते हैं, उसमें हम आयोडीन डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो टेस्ट होता है तो अगर इसमें स्टार्च होता तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, डार्क ब्लू कलर का, इसमें पता लग जाता है। हाँ, सही है। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी संभागों को चलित प्रयोगशाला दी गई है और इंदौर संभाग से चलित प्रयोगशाला सभी जिलों में होती हुई आज खरगोन जिले में आई है। इसमें पहले सेगांव गई थी और खरगोन आई है। यहाँ पर मौके पर हम बहुत सारी जांचें कर रहे हैं, सारे केमिकल जो लैब में भोपाल में जांच होती थी वो लगभग सारी जांचें यहाँ हो जाती हैं, तो मौके पर हम जांच कर रहे हैं। कोई उपभोक्ता चाहे तो वो स्वयं भी उसकी पदार्थ की जांच करवा सकता है। किसी भी प्रकार का जो भी उनका खाद्य पदार्थ है वो आप लेके आ सकते हैं, 10 रुपये का एक रसीद कटवा सकते हैं और अपनी जाँच करवा सकते हैं। सैंपल गलत सैंपल मिला गलत सैंपल मिला है। हाँ, अभी तो हम लोगों ने बस स्टैंड पर यहाँ पर जांच की है। इसमें हमको जो तेल यूज तेल है उसमें हमको उसकी एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिली है, तो वो हमने तेल फिटवाया है, क्योंकि एक तेल को आप 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं, इसके ज़्यादा अगर उपयोग में आता है तो वो उपयोग लायक नहीं रहता। सर, इसके अलावा भी देखा गया कि शहर में जितनी भी होटल है उसमें 15 से 20 दिन तक एक तेल को यूज़ किया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई होगी तो? नहीं, हम उसी तरह से जाँच कर रहे हैं। अब ये लैब हमारे पास आ गई है और ये बार बार विजिट करेगी और उससे मशीन से मालूम चल जाता है कि वो तेल कितनी बार यूज़ हुआ है, तो मशीन से ये मालूम चल जाता है, उसके हिसाब से हम जांच कर लेते हैं कि अगर वो यूज़ करने लायक है। जैसे कई जगहों पे हमको यूज़ करने लायक मिला है तो वो तेल हमने उनको बता दिया है कि आप एक बार और यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ यूज़ करने लायक ही नहीं है उस तेल को हम फेंकवा देते हैं। दंड की कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी उसमें। अगर उसके अगर दोबारा वो उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं, हमारे साथ आज प्रयोगशाला आई थी तो चेक हो गया, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी मशीन है कि अपन इसको तेल को चेक कर पाएंगे इसके बाद? नहीं, अपने पास तो इस तरह की कोई मशीन नहीं है, तो अभी सिर्फ प्रयोगशाला आएगी उसी में सारी मशीन है। इसमें अपन कैसे ये माने कि हम लोगों को तेल अच्छे तेल से बनी हुई प्रयोगशाला एक्चुअली संभाग को आवंटित हुई है, तो हर 15 दिन में एक बार इसका विजिट हो जाएगा, तो हम इस हिसाब से जांच करते हैं। विजिट की तारीख मिलने के बाद तो ये लोग समझ जाएंगे उस दिन के लिए? विजिट की तारीख एक्चुअली कमिश्नर कार्यालय इंदौर से डिसाइड होती है, वो हमारे पास तारीख आएगी उसकी जानकारी। अभी तो पहली बार आई है इसकी, आमजन की उपभोक्ता के लिए हमने जानकारी दी है, बाकी वो रैंडमली कभी भी आएगी और हम इस तरह की जांच करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।